जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है वैकेंसी निकली है, बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई है जिसकी आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और ये जो है एक एब्रिगेट जो है एडवर्टाइजमेंट है जिसका मतलब है संक्षिप्त विज्ञापन, बाकी इसका डिटेल में विज्ञापन बाद में आएगा। अभी जो है ये आ चुका है, इसका मतलब ये है कि वैकेंसी जो है आ चुकी है, बहुत सारे पदों पर ये वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं किन किन पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, देखते हैं भाई। जो पहला यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रहा है ये है स्टेनोग्राफर का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अब जो इनकी ज्वाइनिंग होगी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, जैसे हमारे यहाँ 75 जिले हैं, 76वां बनने जा रहा है, तो अभी जो इनकी ज्वाइनिंग होगी ये 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, कार्यरत हैं, और वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर देखा जाता है कि आपके नंबर कितने हैं, नंबर आपके बढ़िया हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, नंबर कम है तो फिर जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले दिया जाता है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की है ग्रेड थर्ड के लिए, इसमें क्या क्या मांगा है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, डिप्लोमा मांगा है स्टेनोग्राफी में, इसके अलावा CCC भी मांगा है, ध्यान रखना, और 25 से 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की जो है टाइपिंग भी मांगी है कंप्यूटर पर। वैकेंसी कितनी है स्टेनोग्राफर की, तो 583 जो है वैकेंसी है, जिसमें से 517 हिंदी के स्टेनोग्राफर की है और 66 अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर की है, ध्यान रखना। एज क्या है इसमें, तो एज है इसमें 18 से 40 तक आप डाल सकते हो। ग्रेड पे 2800 है तो ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है। दूसरी जो इसमें वैकेंसी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लैरिकल कैडर की, यानी जो क्लैरिकल वर्क होगा, जो बाबू वाला काम है वो होगा, यानी जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट है, ठीक। और इसमें क्या क्या योग्यता है, इसमें योग्यता है इंटर प्लस CCC, इसके अलावा 25 और 30 वर्ड हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग। पोस्ट कितनी है, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 932 और पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है 122। एज क्या है इसमें, एज चलिए एज भी आपको बता देता हूँ मैं। एज जो है साथियों इसमें ये है 18 से 40। ग्रेड पे कितना है, तो जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे है 2000 और जो पेड अप्रेंटिस का जो ग्रेड पे है ये है 1900। तीसरी जो वैकेंसी निकली है वो है साथियों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राइवर्स की, यानी जिला न्यायालय में जो सरकारी ड्राइवर होते हैं उनकी यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, ग्रुप सी में। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हाई स्कूल, इसके अलावा प्लस आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो फोर व्हीलर के लिए होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना हो, ठीक है। 3 साल से कम है, मान लीजिए 2 साल का है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। टोटल पोस्ट है 30 और उम्र वही 18 से 40 और ग्रेड पे इसका भी 1900 है, सरकारी है ये ध्यान रखना। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो है आपको ग्रुप डी की वेरियस जो है पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, इसकी पोस्ट है यहाँ पर। क्या क्या मांगा है, यहाँ मांगा है हाई स्कूल का डिप्लोमा, इसके अलावा ITI का डिप्लोमा भी मांगा है 1 साल वाला, ठीक है ना, या ITI के इक्विवेलेंट अगर कोई डिप्लोमा है तो वो फिर आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की, इसमें हाई स्कूल है, फिर है पियोन की, ठीक है, फर्राश, इसमें भी हाई स्कूल मांगा है, फिर है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिश्ती, लिफ्टमैन, इसमें भी हाई स्कूल मांगा है, और फिर है स्वीपर कम फर्राश, इसमें 8वां पास मांगा है। और इन सब की, यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, प्रोसेस सर्वर की, पियोन की, चौकीदार की और स्वीपर की, इनकी टोटल पोस्ट है 1639। सब में एज जो है 18 से 40 तक है, ठीक है, और इसमें जो है
जो ये जो ऊपर वाली तीन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ऊपर वाली तीन आप देख रहे हैं ये वाली, इनका ग्रेड पे रहेगा 1800, ठीक है। हाँ, और जो स्वीपर कम फर्रास है इसके लिए जो है 6000 रुपया फिक्स है, आपको 6000 रुपया प्रति महीने दिया जाएगा केवल स्वीपर कम फर्रास की पोस्ट के लिए स्पेशली। बाकी सबका लिए, सबके लिए जो है 1800 ग्रेड पे है, 5200 से 20200 तक आपका बेसिक पे होगा, उसके बाद टीए डीए जो भी मिलता है सरकारी कर्मचारियों को वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो ये जो है पूरा जो है नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हो। फीस वीस की बात करूँ तो देखो कोर्ट की फीस तो देखो ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। नंबर वन जो पोस्ट है उसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए फीस है 950, ठीक है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 850 है, एससी एसटी के लिए 750 है पोस्ट वन के लिए। पोस्ट वन का मतलब क्या हो गया, स्टेनोग्राफर के लिए। बाकी अगर हम क्लैरिकल की बात करें तो इनके लिए जो है अलग अलग फीस यहाँ पर दी हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो। टू और थ्री के लिए इनके लिए भी फीस जो है, यानी क्लैरिकल के लिए जो असिस्टेंट वगैरह के लिए फीस है 850। खैर फीस वीस आप लोग देख लेना, ये मेरे बताने की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये जो है वैकेंसी आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूँ कि ये नोटिफिकेशन देखिए आज ही आया है, एक अक्टूबर को आया है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मान के चलिए दिसंबर तक वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। सच बता रहा हूँ मैं आपको, दिसंबर तक पेपर वेपर इसका हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट की भर्ती बहुत तेज़ी से पूरी होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरह लटकी पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक पेपर हर हालत में हो जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, तो विश्वास मानिए मकर संक्रांति तक यानी जनवरी फरवरी में आप लोग जो है सरकारी नौकरी पा जाओगे इस एग्ज़ाम को पास करके, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। तो जो अगर आपकी टाइपिंग बढ़िया है, आपको लग रहा है कि आप पास कर पाओगे स्टेनोग्राफी या जूनियर असिस्टेंट, तो ठीक ठाक पोस्ट है इसमें, कोई जो है मुश्किल बात नहीं है, और पेपर भी ठीक ठाक ही आता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर इसके देख सकते हो। कुल मिला के मेरा काम आपको अवेयर करना है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो बढ़िया से मेहनत करिए, तैयारी करिए, और आप इसकी योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।